समृद्धि तीमन। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप कम समय में तैयारी करो कि एक बार में रीट जो है वो आप निकाल सको। तो इस बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाए हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो पहले से ही कर रहे थे तो उनको तो लगातार अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर रखनी है, ताकि सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल नजदीक आपके जिला के आपको मिल सके नौकरी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि रीट 2020 में आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आरबीएससी की बुक जो है उनको कहती हूँ कि उन्हीं को पढ़िए। और वो क्यों कहती हूँ, क्योंकि सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। सिलेबस में बिल्कुल आप एंड में देखते हैं तो मेंशन किया हुआ है कि आपका जो एग्जाम है वह राज्य स्तर पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं वहीं से प्रश्न जो है वो आपके आते हैं। आप अगर सेकंड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएसटी की यदि बात करें तो आप 6 से लेकर 10 तक की बुक जो है वो आपको पढ़नी ही होगी, और उसके बाद आपका जो लेवल है क्वेश्चन का वो 12th रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। तो अब कई बच्चे बोलते हैं कि मैम जल्दी से ज्योग्राफी जो है वो भी कंप्लीट करवाई जाए जो सर करवा रहे हैं। बिल्कुल जल्दी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, जनवरी के एंड तक आपकी ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आरबीएससी की बुक पढ़े या एनसीईआरटी की बुक पढ़े तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा बच्चों का। जिनको अभी भी नहीं पता है तो जान लें कि एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी आपके राजस्थान में लगी है तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है आरबीएससी की बुक जो कि अभी तक चल रही थी 2019 से 2020 तक की। ठीक है, तो आपको ये बुक्स जो है वो आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अब बुक्स जो है वो आप पढ़ने बैठ जाएं, तो इसका छोटा तरीका क्या है जिससे कि आपकी बुक्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कंप्लीट करवा दी है, वो भी आरबीएससी की बुक से 6th से लेकर 10th क्लास तक की। तो वो क्यों जरूरी है, और आप जो है केवल उतना ही पढ़ेंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप कैसे मानेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आई हूं कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी यदि क्वेश्चन देखेंगे लास्ट ईयर के तो आपको पता चलेगा कि आरबीएससी की बुक से ही आपके प्रश्न जो है वो आए हैं। सिलेबस जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है वो बात ठीक है, लेकिन 60 मार्क्स में से क्योंकि एसएसटी आपका जो है 60 मार्क्स का आपका आता है, जिसमें 50 जो क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप अब भी दे सकते हैं यदि आपने आरबीएससी की बुक जो है वो कंप्लीट कर ली है। क्योंकि राजस्थान का जीके ही इतना ज्यादा भी ऐड नहीं हुआ है जितना कि आपको टेंशन हो जाए। ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स जो है वो तो आप ला ही सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आरबीएससी की जो 6th से लेकर 10th क्लास की बुक्स जो है जो आप लोगों को पढ़नी है या आप लोगों ने पढ़ ली है तो कम समय में कैसे करें, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि अब आप 6th की पढ़े, 7th की पढ़े, 8th की पढ़े, 9th की पढ़े और 10th की पढ़े, तो कम टाइम में कैसे आप पढ़ पाओगे इसी के बारे में बात करेंगे। यदि लास्ट ईयर की बात की जाए तो केवल हिस्ट्री में, लास्ट ईयर की अगर यदि बात करें तो केवल इतिहास में 20 प्रश्न जो है वो आपके इसी बुक्स में से आए हैं, और वो कौन कौन से है क्वेश्चन उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, आपके जब हिस्ट्री में, इतिहास में जिनको मैं आपके सामने अभी बताऊंगी, तो 20 क्वेश्चन जो है, 60 में से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके इतिहास के ही हैं, इन बुक्स में से ही। कहीं इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल और केवल आरबीएससी बुक्स को ही पढ़ना है। अब कम समय में कैसे पढ़े, तो इसके लिए चैनल पर जो 6th से 10th तक की क्वेश्चन आंसर सीरीज डाली जा चुकी है तो उनको बार बार रिवाइज करिए। एक बार पढ़ने पर याद नहीं होता है, दो बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता है। इसके साथ ही मैंने 6th क्लास की एक साथ एक ही वीडियो डाल दिया है जिसमें सारे के सारे चैप्टर हों, 7th के 8th के 9th के और 10th के। ठीक है, तो आप कम समय में तैयारी कर सकते हो। 6th क्लास का लगभग 1.5 घंटे का ही वीडियो है जिसमें आपकी पूरी 6th क्लास कंप्लीट हो जाती है। 7th क्लास लगभग 3 घंटे का है और 8th क्लास भी लगभग 3 घंटे का ही वीडियो बना है,
तो इस तरीके से अब अगर आप देखेंगे तो मात्र 9 या 10 घंटे में आपका पूरा हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इतने कम टाइम में आप बुक्स जो है वो नहीं पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप आरबीएससी की बुक्स के लिए चैनल की क्वेश्चन आंसर सीरीज को करिए, ठीक है। आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, आप कहीं और से पढ़िए, लेकिन जिन बच्चों के पास टाइम नहीं रहा है और वो लोग सिलेक्शन चाहते हैं, प्लीज और प्लीज बुक्स जो है वो 6 से 10 तक की क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो कर लीजिए इतिहास की और पॉलिटी की। इसके साथ ज्योग्राफी जो है वो आपकी चल रही है, 8th क्लास आपकी कंप्लीट होने वाली है, 9th और 10th जो है जैसे ही कंप्लीट होती है हम राजस्थान का जो जीके ऐड हुआ है और इकोनॉमिक्स का एक यूनिट जो है वो ऐड कर दी गई है, इन दोनों के वीडियो जो है वो भी आपको मिलेंगे। तब तक आप इन वीडियोज को बार बार रिवाइज करिए। आपको यकीन ना हो कि मैंने खुद ने ही 5 या 6 बार इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को रिवाइज किया था, ठीक है। तो आपको भी यही चीज करनी होगी अगर सिलेक्शन चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो क्वेश्चन जो आपके इतिहास में लास्ट ईयर ही आए थे, कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए थे, और जिन बच्चों ने अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट कर ली है और उनको लर्न भी कर लिया है तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ हम जो क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं इसी में से क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन जो है जो पूछे गए थे इतिहास में, वो कौन से थे, 6th क्लास का जो हम बुक देखते हैं 6th क्लास की बुक में मौर्य और गुप्तकालीन भारत चैप्टर दिया हुआ है, सिलेबस भी आपका इसी तरीके से चैप्टर का जो हेडिंग है वही उठाकर सिलेबस में भी दे दी गई है। तो उसमें क्वेश्चन था कि मैग्नेस्थीज किसका राजदूत था, ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सीरीज में पढ़ी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, ये है 6th क्लास की बुक से। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था, तो ऑप्शन थे वरुचि, बरामीर, धन्वंतरी और फाइनल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको बार बार बोला था कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये भी आपकी 6th क्लास की बुक जो है उसमें चैप्टर है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, तो वहां से ये प्रश्न जो है वो आपके पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद 6th क्लास से लेकर 10th क्लास की क्यों कहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। तो ये आप जब 10वीं की इतिहास की बुक पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं, तो वहां आपको मिलता है ये क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 8th क्लास की बुक से कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंजारा परिवार में हुआ था, हमने ये किया भी है और राष्ट्रीय भी पूछा गया था, ये 8th क्लास की बुक से पूछा गया था। चेतावनी राजमुंडिया बुक के लेखक जो है वो कौन थे, केसरी सिंह बारट जी थे, तो 8th क्लास की बुक में से ये क्वेश्चन आया था। देखिए अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, चेतावनी राजमुंडिया बुक के लेखक कौन थे, ये दोनों क्वेश्चन है 8th क्लास की बुक में से आए हुए हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हमने देखे, मैग्नेस्थीज किसका राजदूत था, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था, ये 6th क्लास की बुक में से आए हुए हैं। उसके बाद देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी और विराटनगर, निम्न में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो अंगोत्तर निकाय में मिलता है, ये आया था आपके क्वेश्चन 6th क्लास की बुक जो है जिसमें चैप्टर का नाम है महाजनपद कालीन भारत और मगध साम्राज्य। अब आप खुद देख लीजिए अभी तक मैंने केवल 7 क्वेश्चन ही आपको बताए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके 6th क्लास की बुक में से ही आए हैं, 1st और 2nd चैप्टर में से ही, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में वीर दामोदर सावरकर के आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला हमने चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर सीरीज देखी थी तो वहां से ये प्रश्न जो है वो आया था। तो मैंने जो बुक का एक एक लाइन जो है वो प्रश्न के रूप में आपके सामने रखी थी। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ है, तो जो 73 भारत का चैप्टर है, अब तो सिलेबस में ही आपके मेंशन कर दिया गया है कि 73 भारत में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर आपके पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ है ये पूछा गया था, जो 7th क्लास की बुक 73 भारत से पूछा गया था। इसके अलावा उससे भी पहले आनंद मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन जो है ये 73 भारत
वाले चैप्टर में से ही पूछा गया था। नेक्स्ट है कि तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था, ये भी 7th क्लास की बुक से है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में किया गया, इस क्वेश्चन को भी हमने देखा था जहां हमने हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उस चैप्टर को देखा था, 7th या 8th क्लास की बुक में ये क्वेश्चन जो है वो था। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो 7th क्लास का जो चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन, वहां से भी दो क्वेश्चन आए थे, एक चैप्टर में से दो क्वेश्चन आए थे, वो भी 7th क्लास की बुक से। ठीक है, तो संत मीराबाई के पति का क्या नाम था, भोजराज था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आया था। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया, अमृता देवी ने दिया था, ये क्वेश्चन आया था 7th क्लास की बुक से। विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं, अलवार कहलाते हैं, ये भी आया था 7th क्लास की बुक से, भक्ति और सूफी आंदोलन से। उसके बाद है रावी नदी का प्राचीन नाम था। ठीक है, तो जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर है शायद 6th क्लास का, वैदिक सभ्यता और संस्कृति, सेकंड या फिर फर्स्ट चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन आया था कि रावी नदी का प्राचीन नाम जो है वो पर्वश्वनी है। सूरसेन जनपद की राजधानी जो है वो क्या है, मथुरा। अब देखिये ये क्वेश्चन भी 6th क्लास के उसी चैप्टर में से आया था, महाजनपदकालीन भारत। राजस्थान अपने परिपूर्ण में अस्तित्व में आया, ये क्वेश्चन आया था आजादी के बाद का जो भारत चैप्टर है 7th क्लास में या फिर 8th क्लास में है, वहां से ये प्रश्न आया था। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 6th क्लास में से आपके चार क्वेश्चन जो हैं वो आए थे, 7th क्लास में से आपके 7th क्लास में से आपके तीन क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद आपके 8th क्लास और 10th क्लास में से क्वेश्चन आए हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस से तैयारी करनी है, बुक्स पढ़ने का अब आपके पास टाइम नहीं है, बुक पढ़ने मत बैठिएगा, वरना जो और सब्जेक्ट होंगे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, साइकोलॉजी, ये आपके आप इसमें पीछे रह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो कम टाइम में आपका तैयारी करवाता है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर 6th से 8th क्लास के क्वेश्चन आंसर सीरीज, 9th और 10th क्लास के क्वेश्चन आंसर सीरीज हिस्ट्री की डली हुई है, वहां देखिए। पॉलिटी की 6th से 10th क्लास तक की क्वेश्चन आंसर सीरीज डली हुई है, वो देखिए। ज्योग्राफी आपकी 6th और 7th कंप्लीट हो गई है, 8th आपकी एक या दो चैप्टर बाकी हैं, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जनवरी के एंड तक आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो इतने अच्छे से रख लेनी है कि एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा कोई भी, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि इस चैप्टर में से हमने केवल यही वाला क्वेश्चन नहीं देख पाए थे। हर शब्द जो है उसमें आपको एक एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से कि रीट 2021 में आप लोग सिलेक्शन कैसे लेंगे, एक बार में कैसे आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।